नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्माना आपका स्वागत करता हूं ज्योतिष दृष्टि में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने बहुत मेरा प्रोत्साहन बढ़ाया। और विशेषतः प्रश्न किया गया कि श्रावण मास में भगवान शंकर जी की पूजा किस प्रकार से की जाती है। साथियों, वैसे तो देवों के देव महादेव स्वत ही प्रसन्न हो जाते हैं, फिर भी कहते हैं जब तक बालक रोता नहीं माँ भी दूध नहीं पिलाती। इसलिए भगवान के आगे हमें अपने कार्यों के लिए जो हमारी इच्छाएं हैं उनके लिए प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। इस श्रावण मास में किस प्रकार से भगवान की पूजा की जाए, सबसे पहले भगवान को दूध, जल, घी, दही, शहद और इन सब को मिला करके भगवान को न्यास करना चाहिए, अर्थात जल अभिषेक करना चाहिए। और तत्पश्चात भगवान को भांग, धतूरा, बिलपत्र बड़े प्रसन्न हैं, यह भगवान को चढ़ाने चाहिए। अपनी जो भी आपने मनोकामना करनी है उसके प्रति भगवान से विश्वास रखते हुए भगवान को फल अर्पित करना चाहिए। द्रव्य दक्षिणा के साथ में भगवान की पूजा करनी चाहिए। जब यह कर्म पूरा हो जाए, क्योंकि श्रावण मास है, इस मास में भगवान गंगा जी से लाया हुआ जल, जिसे हम गंगा जल कहते हैं, उस गंगा जल को जरूर भगवान के ऊपर चढ़ाना चाहिए। इसीलिए कांवड़ की यह प्रथा बहुत समय से, युग युगों से चली आ रही है। भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। वह जल जब भगवान को आप अर्पित करते हो तो भगवान आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएँ पूर्ण करते हैं। इस व्रत के करने से क्या लाभ होता है? विशेषतः 5 सोमवार जो है श्रावण मास में करने चाहिए। चाहे तो आप संक्रांति से पहला सोमवार ले लें या 26 जुलाई से सोमवार लें तो आगे बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से 5 सोमवार को भगवान शंकर जी की आराधना करते हुए भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान स्वत ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी मन इच्छानुसार जो है फल दे करके, वरदान दे करके आपको तृप्त करते हैं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ में आज मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। नमस्कार।